Hi guys, wish you a very good morning. This is me, Aish Joshi, and you're watching me on the channel of TYS. So as you all know, I'm daily basis pe the Hindu ka news analysis lete hain. So here I am presenting today's the Hindu news analysis, and this 29th May, Friday here. So let's start today's analysis. तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेंगे हम. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आती है वो आती है वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इशू पीसफुली सेज MEA, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि चाइना के साथ में हमारा LAC, दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इशू चल रहा है, हम उसे शांतिपूर्वक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कुछ दिनों से एक इशू चल रहा है, दैट इज़ LAC इशू, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू है ये, जिसके तहत नेपाल लद्दाख और सिक्किम के बीच की जो बाउंड्री है उससे रिलेटेड इशू है ये, और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा पूरी तरीके से की जा रही है. और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो इश्यूज है, जो कि हमारा अभी फ़िलहाल चाइना से चल रहा है और नेपाल से भी चल रहा है, इन दोनों को सॉल्व करने का प्रयास पूरी तरीके से सरकार द्वारा किया जा रहा है, और उसी के चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा कल भी इसका दौरा ऑलरेडी किया गया था. तो हाल ही में हम कह सकते हैं कि US प्रेसिडेंट द्वारा जो मीडिएट का वर्क करने के लिए जो प्रपोज़ल दिया गया है, उसे भी जो इंडिया है उन्होंने और चाइना ने दोनों ने ही निगलेक्ट कर दिया है. बेसिकली मैं आपको बता दूँ, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि मैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मीडिएट के रूप में US जो है आपकी मदद कर सकता है, परंतु दोनों ने ही, इंडिया और चाइना दोनों ने ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हमें इस शांतिपूर्वक इस मुद्दे को या इस मैटर को सुलझाना है और वो हम खुद से कर लेंगे. ठीक है, सो इट इज़ अ गुड स्टेप ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि इसे हम खुद से निपटा लेंगे, क्योंकि कई रिलेशंस ऐसे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिन्हें अपने आपसी बिना किसी हस्तक्षेप के आपसी समझ के साथ सॉल्व करना ज़रूरी होता है, और उम्मीद करते हैं ये एक पॉजिटिव साइन लेकर आएगा. द नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर रिव्यू सिचुएशन इन 13 रीजंस हिट हार्ड बाय वायरस. मैं आपको बता दूँ कि 13 ऐसे क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, जिनको वायरस का हॉटस्पॉट पाया गया है, जहाँ पे बुरी तरीके से वायरस ने अटैक किया है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, मैं कह सकती हूँ 70% ऑफ ओवरऑल केसेस जो है इन 13 क्षेत्रों में पाए गए हैं. तो सरकार ने इन सभी 13 क्षेत्रों का रिव्यू लिया है, और इनकी कंडीशंस को, इनकी सिचुएशंस का रिव्यू लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे COVID-19 को इन क्षेत्रों के तहत निपटा जाए. ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, डोंट चार्ज माइग्रेंट्स बस और ट्रेन फेयर सेज SC. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये जो माइग्रेंट्स हैं, जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इवन अपने घर की ओर रुख किए हुए हैं और घर जाने को जो है बिल्कुल बुरी तरीके से उत्सुक हैं, क्योंकि काफ़ी जो हम कह सकते हैं फिज़िकली या मेंटली काफ़ी लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारा स्ट्रेस या इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिला इन्हें, तो उससे सफ़र करते हुए इनकी डिमांड थी कि इन्हें घर जाना है, और लॉकडाउन के चलते ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. और अब जब सरकार ने ये क्षेत्र, ये सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है फेरी ट्रेन्स और बसेस के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसे माइग्रेंट्स के बस और ट्रेन के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, इट मीन्स इनका बस और ट्रेन का किराया माफ़ कर दिया जाएगा. ठीक है, उम्मीद है ये माइग्रेंट्स के लिए एक राहत भरा कदम होगा सुप्रीम कोर्ट का. द ट्रेड कंजप्शन ऑफ लिकर नॉट अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट टेल्स हाई कोर्ट. मैं आपको बता देती हूँ कि हाल ही में दिल्ली में जो लिकर्स हैं उनके ऊपर पहले 30%, फिर 50% और अब 70% जो है कोरोना फ़ी के तौर पे लिया जा रहा है, स्पेशल कोरोना फ़ी के तौर पे लिया जा रहा है. और इस कोरोना फीस के अगेंस्ट कई सारे लोगों ने अपोज किया है, दिल्ली की सरकार जो है
उनका ये कहना है हाईकोर्ट को कि ये जो हम 70% कोरोना फी ले रहे हैं सभी ब्रांड्स के ऊपर, ये जो है एक तरीके से व्यापारिक मसौदा है और हम कह सकते हैं कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। यदि आम जन इसे धोखा या हम कह सकते हैं आम जन के द्वारा इसे अपोज किया जाता है तो ये किसी भी तरीके से उनका कोई मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में नहीं आता है लेकर्स का कंजप्शन। इसलिए इवन व्यापार भी उनके मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, अतः अगर सरकार द्वारा इस तरह के कोई कदम उठाए जाते हैं तो वो किसी भी तरीके से यदि मौलिक अधिकारों का या कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनमें संशोधन की आवश्यकता है। परंतु ऐसी ज़रूरत नहीं समझी जा रही है कि इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई संशोधन किया जाए। तो सरकार द्वारा जो है इस कोरोना फी को कंटिन्यू रखने की डिमांड की गई है। देखते हैं आने वाले टाइम में ये क्या लेकर आता है, आगे क्या इश्यूज लेकर आता है, क्योंकि आम जन जो है दिल्ली के उनमें कई सारे इश्यूज देखने को मिले। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसे हाईलाइट करना थोड़ा शायद मिस हो गया, भूल गई हूँ। लोकस्ट अटैक काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले कोरोना वायरस, उसके बाद में वेस्ट बंगाल का अम्फान नामक जो साइक्लोन था उसका हिट, उससे होने वाले दुष्प्रभाव, उसके बाद में लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक सबसे बड़ा अब तक का काफ़ी सालों के बीच में, काफ़ी 76 ईयर्स के बाद आने वाला बहुत बड़ा या बहुत हम कह सकते हैं मेजर हिट रहा है और काफ़ी एग्रीरियन लॉस कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्तर पर हम कह सकते हैं नुकसान पहुंचा चुके हैं लोकस्ट। अब तक जितनी भी फसलें थी जो कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर करती है, उन सारे क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है सरकार को और वैसे ही किसानों को। तो स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू डील विथ पॉसिबल लोकस्ट अटैक, ऐसा कहना है सरकार का, गवर्नमेंट का। देखिए बेसिकली होता क्या है, लोकस्ट इज़ अ थिंग, जिसे लोकस्ट अटैक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अलर्ट जारी किया जा सकता है या अन्य इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लेकिन लोकस्ट को रोकने के लिए अब तक सरकार द्वारा या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा इस पर वर्क नहीं किया गया है। जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर ज़िले में जो है लोकस्ट जो है अलर्ट के लिए पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, परंतु वो सिर्फ आपको अलर्ट कर सकता है इस क्षेत्र से संबंधित कार्यवाही के तहत, ठीक है। तो बेसिकली रेवेन्यू कमिश्नर जो है उन्होंने कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, ऐसा डीएम का कहना है। और हाल ही में सरकार का ये कहना है कि हम सारे महत्वपूर्ण कदम जो कि लोकस्ट अटैक को स्टॉप करने के लिए उठाए जा सकते हैं या लोकस्ट को रोकने के लिए, ये जो अटैक बढ़ता चला जा रहा है, जो लॉस जो होता चला जा रहा है, उसे रोकने के लिए हम पॉसिबल जो स्टेप्स हैं उसे ले रहे हैं। और हाल ही में पेस्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे करने की बात कही गई है। सरकार का ये कहना है कि जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ तक हम लोकस्ट को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ कर कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि लोकस्ट ने बहुत काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है फसलों को और बहुत जो है, चाहे फार्मर्स ले लीजिए चाहे गवर्नमेंट ले लीजिए, बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी लॉकडाउन के चलते या हम कह सकते हैं COVID-19 के पेंडेमिक के चलते बहुत नुकसान का सामना सरकार को व आमजन को करना पड़ रहा है। और उसी बीच में वेस्ट बंगाल साइड जो है, जो हम कह सकते हैं ईस्टर्न एरिया जितना भी है, उसको भी साइक्लोन हिट के कारण नुकसान झेलना पड़ा। और वहीं वेस्टर्न एरिया में लोकस्ट का अटैक अपने आप में एक बहुत टेंशन की कंडीशंस क्रिएट कर देता है। देखिए ऑल ओवर इन वर्ल्ड ग्लोबली COVID-19 से सब जूझ रहे थे, इट इज़ अ फैक्ट, और इससे निपटने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, इवन उठाए गए हैं अब तक, है ना। और वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अब हमें ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट क्लियर हो चुका है कि अब हमें उससे निपटने के लिए उसके साथ जीना होगा, है ना। COVID-19 के साथ में हमें उसके साथ सर्वाइव करना ही होगा और उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने ही होंगे। बट स्टिल उसी बीच में इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़, हम कह सकते हैं जो साइक्लोन हिट है वेस्ट बंगाल के अंदर और जो लोकस्ट अटैक है, ये भारत को प्रभावित करने वाला एडिशनल जो है एक एडिशनल मैटर हो गया, जिससे भारत काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, ठीक है।
सो लेट्स सी कि भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी जहां वर्स्ट लेवल पे जा रही है, वहां सरकार को इतने सारे बैरियर्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूं और मैं कहना चाहती हूं उन सारे लोगों से कि हम सरकार को मदद करते हुए, इवन हम आम जन को मदद, एक दूसरे की मदद करते हुए यदि इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं, तो ये हमारा जो है एक हम कह सकते हैं एडवांटेज होगा, जो कि हमारी भारत का ऑलरेडी एक स्पेशलिटी है कि सोवरेनिटी, यूनिटी की एक बात कही जाती है कि भारत यूनिटी पर बेस्ड कंट्री है। तो अगर हम यूनिटी बेस्ड जो टाइम है वो स्पेंड कर देते हैं, तो डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड एडवांटेज ऑफ इट और गुड रिजल्ट्स ऑफ इट। ओके, सो और द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 955 फॉरनर्स टू मूव आउट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेंटर्स। मैं आपको बता देती हूँ, जो निज़ामुद्दीन केस है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो 955 फॉरेनर्स हैं, उनको अब तक गवर्नमेंट सेंटर्स जो है वहाँ पे रखा गया था, तो उन्हें वहाँ से हटा करके कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पे मूव किया जाएगा, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो ये डिसीज़न सरकार द्वारा लिया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि हाल ही में मलेशिया के जो हाई कमिश्नर हैं उनका ये कहना है कि उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि निज़ामुद्दीन इवेंट में सम्मिलित होने वाले सारे मलेशियंस जो है उन्हें रिलीज़ किया जाए। मैं आपको बता दूं कि करीब आई थिंक 120 के करीब ऐसे लोग थे जो ओवरऑल मलेशियंस थे। देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, या 120 जो है पीपल मलेशिया से थे, मलेशियंस थे जो कि निज़ामुद्दीन इवेंट के अंदर सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली जो हमारा हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो पैकेज है, जो कि स्टिमुलस पैकेज के तहत अभी अनाउंस किया गया था रिसेंटली, और लॉकडाउन के तहत जो 5 ट्रेंचेस के अंदर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है, उसी के तहत जो एक्सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया गया है उसकी बात यहाँ पे की गई है। इंडिया को एट प्रेजेंट स्टिमुलस पैकेज के तहत जो मिला हुआ हम कह सकते हैं एडवांटेज है वर्ल्ड ट्रेड के तहत ये एक्सपोर्ट ब्लॉक के रूप में, तो उसे जो है इंडिया को मिस नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने, इवन भारत के लोगों ने बहुत काफ़ी हद तक इकोनॉमी को डाउन होते हुए देखा है पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, और हाईएस्ट लेवल पे इकोनॉमी डाउन गई है। हम कह सकते हैं कि 16% तक जहाँ पे हमारा जनवरी से मार्च के बीच में जहाँ 16% तक डाउन हुआ था एक्सपोर्ट मार्केट, वही मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो अप्रैल में 91% तक डाउन देखने को मिला। तो ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट हमें एक्सपोर्ट लेवल पे देखने को मिले हैं। वैसे तो हमें हर क्षेत्र में इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी डाउन जा चुकी है ना, लेकिन उसी दौर में जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है अभी रिसेंटली 5 ट्रेंचेस में, उसमें से एक जो ट्रेंच है उसमें एक्सपोर्ट ब्लॉक के तहत जो है बात की गई है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई है। तो ये ज़रूरत है भारत की और एक्सपोर्टर्स की, भारत के सभी एक्सपोर्टर्स की, कि वो इन क्षेत्रों में कार्य करें। और जो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें, अब देखिए इंडिया जो है 30 बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स में आता है, एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ में 30 बिगेस्ट कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का नाम आता है, और उसके अंदर भी एक पॉजिटिव ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है अब तक वो फार्मास्यूटिकल्स और आयरन ओर्स में देखने को मिली है ना। जो लास्ट अगर हम बात करें जस्ट इससे पहले के दौर में, इससे पहले के क्वार्टर में, कि मैक्सिमम लेवल पर और हमारा जो ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है, तो वो जो ग्रोथ है वो हमें आयरन ओर और फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिला है ना। और उसी के बीच में ये थैंक्स टू दी शार्प डिप इन ग्लोबल ऑयल प्राइजेज, हायर वॉल्यूम्स ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स डिडेंट हेल्प मच इन वैल्यू टर्म्स। मैं आपको बता देती हूँ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के अंदर जो हायर जो गई है रेट्स, उनको उनसे हमें कोई, या हायर वॉल्यूम्स जो है जितनी अधिक मात्रा में भले ही पेट्रोलियम हो रहा है एक्सपोर्ट, लेकिन उससे हमें कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली है। वहीं पे ग्लोबल ऑयल प्राइजेस के जो है बढ़ोतरी के कारण, ग्लोबली जो है ऑयल प्राइजेस की रेट्स हाई हो जाने के कारण भारत को एक्सपोर्ट में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है ना। देखिए गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस पैकेज है वो टोटैलिटी ऑफर्ड सेवरल रिफॉर्म कमिटमेंट्स इम्प्रूवमेंट्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलोंग विद सम फॉरबियरेंस
फॉरबियरेंस एंड अ फ्यू शॉप्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मैं आपको बता देती हूँ MSMEs की बात कही गई है, MSMEs के तहत कार्य करने की बात कही गई है। और MSMEs में अधिकतर जो MSMEs हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। तो अगर MSMEs में मनी इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, ये पैकेज MSMEs को फोकस करता है, तो उसी के तहत जो है हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो है वो भी अपने पीक पर जाएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 मई को 15,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया को, है ना, उसके लिए। एंड 6 मंथ, और उसके अलावा 6 मंथ का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करवाया था इम्पोर्टर्स को, जो कि कम्प्लीटली आउटवर्ड रेमिटेंस था। सो फॉर एक्सपोर्टर्स द मैक्सिमम परमिसेबल क्रेडिट पीरियड फ्रॉम बैंक्स वॉज एक्सटेंडेड 12 मंथ से 15 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था उसे, ठीक है, जो कि 31 जुलाई 2020 तक के लिए बनाया गया था। In an employment-intensive sector such as textile, government exports, which fell, मैंने आपको बताया कि जो जनवरी से मार्च के बीच, या मे नहीं मार्च के बीच में करीब 16% तक हम लोग जो है गारमेंट्स ले लीजिए या फिर जो हम कह सकते हैं टेक्सटाइल ले लीजिए, इस क्षेत्र में हमारा जो एक्सपोर्ट का मार्केट है वो करीब 16% तक नीचे गिरा हुआ देखा था हमने। और पता चला कि हमारा इकोनॉमी जो है 16% तक गिर चुकी है एक्सपोर्ट मार्केट के तहत। बट स्टिल उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब हमें ये पता चलता है कि अप्रैल के तहत हमारा ये जो मार्केट है वो 91% तक डाउनफॉल हो चुका है। तो अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में भारत की ज़रूरत है कि ऑलरेडी जो इकोनॉमी इसी क्षेत्र से गिर चुकी है उस क्षेत्र को, उस इकोनॉमी को उसी क्षेत्र में पीक पर ले जाया जाए, है ना। सो उम्मीद है कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट ब्लॉक जो है वो पर्टिकुलरली इस स्टिमुलस पैकेज का प्रॉपर यूज़ करते हुए MSMEs में उन क्षेत्रों के तहत कार्य करेगा जो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट स्तर से भारत को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और भारत को जो एक्सपोर्ट ब्लॉक के अंदर एक बहुत पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये टाइम है, इस टाइम को यूज़ किया जाए और एक्सपोर्ट को यदि बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली हम लोग काफ़ी पॉजिटिविटी गेन कर सकते हैं और फिर से हमारी इकोनॉमी को पीक पर ले जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशन। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में काला पानी विवाद चल रहा है, जो कि महाकाली नदी, जो कि पहले काली नदी कहलाती थी, उससे संबंधित विवाद है। भारत में जो नए नक्शे जारी किए गए हैं, पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, उसके तहत भी जो काला पानी क्षेत्र है उसे हमारे भारत के नक्शे में ही शो किया गया है, जो कि नेपाल को उत्तेजित कर देने वाला कदम था। इसी जो मैप है उसके चलते नेपाल के काठमांडू में काफ़ी विरोध का प्रदर्शन देखने को मिला और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इस तरह के विरोध प्रदर्शन का प्रत्युत्तर हेतु भारत पर कुछ प्रत्यारोपण भी किए गए हैं, आरोप प्रत्यारोपित किए गए हैं, और उसी के चलते भारत ने कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है उन्हें भी उठाया। मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल का ये जो क्षेत्र जो बताया जा रहा है काला पानी क्षेत्र, बेसिकली ये जो महाकाली नदी है ये जो है सरगोली की संधि के तहत ये क्षेत्र, ये नदी नेपाल का बॉर्डर डिसाइड करती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, भारत ने हमारे खुद के जो हम कह सकते हैं नक्शा है, पॉलिटिकल मैप है, उसके तहत इस नदी को, इस बॉर्डर एरिया को शो कर दिया है, जो अपने आप में इशू का पॉइंट डेफिनेटली बनना ही है। मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र जो है महाकाली नदी के तहत ये जो क्षेत्र है ये 3 राज्यों ट्राई जोन कहलाता है, जो कि तिब्बत, नेपाल और भारत की बॉर्डर्स को कनेक्ट करता है।
और ये जो क्षेत्र जिसको लेकर विवाद चल रहा है, ये ऑलरेडी पहले जो सागौली की संधि हुई है उसके तहत नेपाल के क्षेत्र में आता है, और उसके बीच में भारत का अपने पॉलिटिकल मैप में इसे शो करना अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है ना। सो काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अपोजिशन देखने को मिल रहा है नेपाल के द्वारा काफ़ी स्तर पर। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऐसे दो तीन मुद्दे देखने को मिले, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, ब्रिटिश इंडिया के तहत जो मैप देखा गया है उसमें भी इस क्षेत्र को भारत में दिखाया गया है। 1930 के जो भारत का नक्शा है उसके तहत भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है इस क्षेत्र को, कालापानी क्षेत्र को, जबकि नेपाल जो है उसका ये कहना है कि 1950 से 1956 के जो मैप है उसके बीच जो संधि हुई है उसके तहत ये क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आता है। और डेफिनेटली ये चीज़ जो है सागौली संधि के तहत निश्चित सुनिश्चित कर दी गई थी कि ये क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आएगा, और उसके बाद भी भारत का उसे अपने पॉलिटिकल मैप में शो करना कहीं ना कहीं उनके उत्तेजना का कारण है। और ये आई कैन से इट इज़ नॉट अ रॉन्ग स्टेप ऑफ नेपाल, बिकॉज अगर जो क्षेत्र और जो चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो रखी है आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं, देखिए ये विवाद ऐसा है जिसके तहत दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ये अपना अपना हिस्सा चाहती हैं, और डेफिनेटली ऐसे कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जिस पर कोई कंट्री अपना हिस्सा ना चाहे, है ना। और डिस्प्यूटेड एरियाज़ तो मैक्सिमम लेवल पर न्यूज़ में रहते हैं, जैसा कि आपको पता है हमें चाइना से रिलेटेड LAC वाला इशू चल रहा है। हाँ, LAC वाले इशू में ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले नहीं हो रखा है चाइना और इंडिया के बीच, लेकिन जो कालापानी क्षेत्र है उसके तहत ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा इशू हो रखा है। सो अभी एट प्रेजेंट हमें किस तरह के स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, तो सरकार को ये ज़रूरत है कि वो इस पे ग्राउंड वर्क करें और ये जो इश्यूज चल रहे हैं उसे साइलेंटली इस मैटर को सॉल्व करते हुए सेंसिटिविटी क्षेत्र में आते हुए स्पेशली जो है हम कह सकते हैं रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हुए इस एरिया को ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि इस मैटर को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा ये चांसेस क्रिएट करता है नेपाल और चाइना के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना से। और यदि हमारे नेबरिंग कंट्री जिसे हम कह सकते हैं नेपाल के साथ हमारा बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं आज तक, और 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बहुत अच्छे जो है संबंधों की स्थापना की थी, अगस्त 2014 में उन्होंने नेपाल का जो दौरा लिया था, पहला सबसे पहला स्टेप जो उनका था, तो उसके तहत भी बहुत अच्छे संबंधों की स्थापना के प्रयास किए गए थे, और उनका ये कहा गया था कि नेबरहुड फर्स्ट है। सो उसके तहत जितने भी पॉजिटिव जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इस एक स्टेप या इस एक मुद्दे के तहत कहीं वेस्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान हमें रखना होगा, सरकार को रखना होगा। सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल टेक एंड व्हाट डिसीजंस विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, और उसके चलते किस तरीके से सरकार, दोनों सरकार जो है वो दोनों, चाहे आप LAC ले लीजिए चाहे कालापानी विवाद ले लीजिए, दोनों डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करती हैं ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट इशू है, एक तो ब्रूइंग स्टॉर्म दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रंप जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए रहते हैं, काफ़ी नेगेटिव सेंस में भी रहते हैं, काफ़ी पॉजिटिव सेंस में भी रहते हैं, और काफ़ी हम कह सकते हैं सोशल मीडिया मटेरियल, काफ़ी सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी जो है उनकी लैग पुलिंग भी की जाती है, लेकिन वही कई जगहों पर उन्हें जो है काफ़ी कम जगह है, लेकिन हाँ उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है उनके कार्यों के लिए, उनको जो है काफ़ी पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका छाया रहना जो है उसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ सेटलमेंट, ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और इंडिया के बीच का जो डिस्प्यूट है उसकी बात यहाँ पर की गई है, एंड डेफिनेटली ये हम आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर का हमने यही देखा था, इवन पहले भी हम इस डिस्प्यूट को, इशू को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ में आया है, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है ये इशू, ये पूरे जितने भी मैटर्स आज हमने डिस्कस किए हैं, और मेरा जो इंसिस्टेंस था, मैंने जो इम्पोर्टेंटली जिस पर डिस्कस फोकस किया था वो था नेपाल और इंडिया का रिलेशन,
उसको रीसेट करने की बात कही मैंने। तो इस आर्टिकल को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस एक आर्टिकल के अंदर सब कुछ कवर किया हुआ है कि नेपाल और इंडिया के बीच में कब कब डिस्प्यूट हुए हैं, या पहले के पुराने टाइम से लेकर जब पार्टीशंस हुए उससे पहले से लेकर और अब तक कितने कैसे डिस्प्यूट्स चले हैं, क्या क्या उनको कैसे सेटलमेंट्स किया गया, इसके अलावा कैसे रिलेशंस चले हैं, किन किन लोगों के बीच, किन राजाओं के बीच, किन सरकारों के बीच हुए हैं, वो सारी चीज़ें इन आर्टिकल में, आज के इस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, सो यू शुड गो फॉर इट। आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जो भी आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो सब हम यहाँ कैरी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर एक दो आर्टिकल कुछ रह जाते हैं तो आपको वो कैरी करने चाहिए, वो पढ़ने चाहिए, वो उनके बारे में डेफिनेटली एनालाइज करना चाहिए। स्पेशली जो आज के दो इंपॉर्टेंट जो इशूज़ मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो वो है नेपाल और इंडिया का इशू और इंडिया और चाइना का इशू। ये दो इशूज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम्स में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे डेफिनेटली आने के चांसेस बनते हैं, 99% आने के चांस बनते हैं। सो यू शुड गो फॉर इट एंड मेक क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ। ओके, मैं आपके साथ में क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अचीव आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, एंड यू विल बी, इट विल बी ईजी टू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड गो थ्रू ऑल दीज डिस्प्यूट्स टू यू। ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।